जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, एक और नए जिले की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है जिसकी संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कहाँ कहाँ कितने पद हैं साथियों, कौन कौन सी ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा करवाना है, फॉर्म भी दिखा देंगे। सारी की सारी चीजें, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल साथियों, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम वीर रोजगार आप ही का चैनल है दोस्त, ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो, इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसकी सारी की सारी संपूर्ण जानकारी हम समझने वाले हैं। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024 कार्यकर्ता और सहायिका के पद हैं। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जैसलमेर की ये भर्ती है। बिल्कुल साथियों, ये जैसलमेर की भर्ती है और 10 से 12 जिलों की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। उनकी तमाम की वीडियो भी डाल दी गई है, चैनल पर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल साहब, अब बात करें इसके ऑफलाइन आवेदन की, तो ऑफलाइन आवेदन है इसके 12 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बिल्कुल, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। योग्यता 12वीं पास है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर कोई भी महिला ऐसी है जो केवल 10वीं पास ही हो, कि साहब में तो 10वीं पास ही हाँ, 12वीं तो कोनी, तो कोई बात ना, 10वीं पास हो तो भी फॉर्म भरो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि एक नोटिफिकेशन ने हमने देखा है कि उसमें लिखा था कि अगर कोई 12वीं पास महिला नहीं उपस्थित हो पाती है तो 10वीं पास महिला को ले लिया जाएगा। इसलिए मैं आपको ये राय देता हूं कि 10वीं पास भी अगर हो तो भी आपको फॉर्म भरना होगा, आपको फॉर्म भरना ही होगा। जिस ग्राम पंचायत की निवासी हो और उस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है तो जरूर आप फॉर्म भरिए, ठीक है। अच्छा जी, बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू की भर्ती है, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है। एज की बात करें तो 18 से 35 साल की सभी महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट है। भैया एससी एसटी की कोई महिला है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। दिव्यांग कोई महिला है, चाहे किसी भी जाति की हो, दिव्यांग हो तो उसको भी 5 साल की छूट है। विधवा कोई महिला है, तलाकशुदा कोई महिला है, किसी भी जाति की हो, उनको भी 5 साल की छूट मिल जाएगी। यानी कि वो अगर 40 साल तक है तो भी फॉर्म भर सकती है, ठीक है साहब। ये बात हो गई। अब बात करें फॉर्म प्राप्त और जमा वगैरह कहाँ होंगे, तो आपके तहसील में सीडीपीओ ऑफिस है, सीडीपीओ ऑफिस में आपको जाना है, वहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा और वहीं पर आपको जमा करवाना है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? सीडीपीओ ऑफिस होता है महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय, जो हर तहसील में पाया जाता है, हर पंचायत समिति में पाया जाता है। उसको ढूंढो आप जाकर के, ट्राई करो उसकी सीडीपीओ ऑफिस कहाँ पर है, उसमें जाओ और वहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा। वहीं पर फॉर्म भर के सारे फोटोकॉपी करो, दो दो सेट सारे डॉक्यूमेंट्सों की, और उस फॉर्म के साथ लगा के और उसी सीडीपीओ ऑफिस में जमा करवा दो। आपको रसीद भी मिलेगी, वो रसीद भी आपको लेनी है, ठीक है। ये बात है, अगर आपको फॉर्म देखना है तो फॉर्म भी दे देंगे और इसका शपथ पत्र भी बनेगा। एक तो तुम्हारे घर में शौचालय का नियमित उपयोग हो रहा है, इस प्रकार से शपथ पत्र बनेगा, वो शपथ पत्र भी हम आपको दे देंगे। जो विवाहित महिला हैं उनको विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना है, और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाना है, वो भी हम आपको दे देंगे, चिंता मत करो। और मूल्यांकन में कितने कितने डिग्री डिप्लोमा के कितने कितने नंबर मिलते हैं वो भी अपने पास ही है, मिल जाएगा। कौन कौन सी ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है उसका नोटिफिकेशन भी अपने पास है, वो भी आपको मिल जाएगा। पैसा लोगा के साहब ना, एक रुपये बोलना चवन नहीं, फ्री में देंगे आपको, क्योंकि अपना ही मित्र है, फिर क्या परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो आराम से उनको ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो किस प्रकार से क्या क्या भरना पड़ता है, कहाँ फोटो लगेगी, सारी चीज आप फ्री में लो, एक रुपया नहीं लेंगे आपसे, ठीक है।
कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप, वहां पर सारी चीजें डाल दी गई हैं, आप आराम से समझ सकते हो, देख सकते हो, और पूरी वीडियो में ये चर्चा करेंगे, इसको आप जरूर समझो, पात्रता शर्तें सब कुछ, ठीक है। अगर कोई भी महिला जिले में निवास करती है तो आपको कहाँ पर देना होगा, जैसे मान लो जैसलमेर जिले में ही निवास करती है कोई महिला, तो वो कहाँ पर जाए, कौन से ऑफिस में जाए, तो उसके लिए ये है कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जैसलमेर, इस कार्यालय में जाकर के फॉर्म ले ले और यहीं पर जमा करवा दे और रसीद प्राप्त कर ले, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा। किसी मित्र से लेकर के भर करके उसको जमा नहीं कराओगे आप, वहीं पर जाकर फॉर्म मिलेगा, वहीं रसीद मिलेगी, ठीक है साहब। और फॉर्म लेना है शौचालय का घोषणा पत्र, आधार, जनाधार, राशन कार्ड, मूल जाति, दो फोटो, मार्कशीट, विवाहित महिला है तो विवाहित प्रमाण पत्र, अविवाहित है तो अविवाहित प्रमाण पत्र। अविवाहित प्रमाण पत्र कैसा होता है, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें टेलीग्राम पर डाल दी गई है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। इन सब डॉक्यूमेंट्सों की दो दो फोटो कॉपी करवाओ और फॉर्म के साथ लगा के जमा करवा दो CDPO ऑफिस में, ठीक है, फिर तुम्हारा मान्य हो जाएगा रसीद लेते ही। और महिला कोई भी है वो स्थानीय निवासी होनी चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है उसी ग्राम पंचायत की वह महिला निवासी होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है ग्राम पंचायत का नाम, आधार कार्ड में देखो, राशन कार्ड में देखो, मिलेगो थान ग्राम पंचायत कौन सी है तुम्हारी, तो उसी ग्राम पंचायत में अगर भर्ती निकल रही है तो आप आराम से आवेदन कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। और विधवा और तलाकशुदा महिला है, इनको दोनों जगह से मौका है फॉर्म भरने के लिए। अगर कोई भी विधवा और तलाकशुदा महिला है, जैसलमेर मान लो उनका ससुराल है, तो वो दोनों वहां आराम से फॉर्म भर सकती है। और मान लो कोई विधवा महिला और तलाकशुदा महिला है, जैसलमेर उनका पीहर है, तो पीर में भी फॉर्म भर देंगे, कोई दिक्कत ना आवे, ठीक। पीर में भरो चाहे सासराम भरो, ससुराल हो चाहे पीहर हो, विधवा और तलाकशुदा महिला के लिए दोनों ही जगह स्थानीय निवासी माना जाएगा, ये बात है। और विवाहित और अविवाहित दोनों ही पात्र हैं इस भर्ती में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुंवारी लड़की भी है, 12वीं पढ़ चुकी है या कोई पढ़ रही है, 18 साल हो गई है, तो भी फॉर्म भर सकती है। कोई BA BEd करने वाली, BSTC करने वाली है, वो भी इसमें आवेदन कर सकती है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। चयन कैसे होगा, बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू है, 10वीं और 12वीं की परसेंटेज जोड़ेगा और मूल्यांकन का नंबर जोड़ेगा और फिर थारी मेरिट बनाऊंगा। मूल्यांकन के कितने कितने नंबर मिलेंगे ये भी देख लो एक बार, स्नातक एक नंबर, स्नातकोत्तर यदि आपने कर रखी है तो दो नंबर, NTT BSTC नर्सिंग BEd वगैरह आपने कर रखी है तो दो नंबर, ANM GNM का डिग्री डिप्लोमा है तो सीधा तीन नंबर, RSCIT या PGDCA का कोई डिप्लोमा है तो एक नंबर, कार्य अनुभव आपको है, मान लो कोई आंगनबाड़ी में आपने काम किया हो 1 साल 2 साल, तो आप वहां से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकती है, सीधा 4 नंबर मिलेगा थान, ठीक। विधवा महिला है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, 3 नंबर मिलेंगे। तलाकशुदा महिला है तो उसको भी प्रमाण पत्र देना होगा, 2 नंबर मिलेंगे। दिव्यांग कोई भी महिला है तो 40% का सर्टिफिकेट देना होगा, उनको भी 2 नंबर मिलेंगे, और SC ST की महिलाओं को 3 नंबर मिलेंगे। अब पद कहाँ कहाँ है मैं पंचायत समिति आपको बताता हूँ, जैसलमेर में भी भर्ती है, मोहनगढ़ में भर्ती है, पंचायत समिति नाचना में भर्ती है, पंचायत समिति भानियाणा में भर्ती है, सांकड़ा में भर्ती है, पंचायत समिति सम में भर्ती है और फतेहगढ़ में भी भर्ती है। अब साहब ग्राम पंचायत तो इनके अंदर है, ये तो पंचायत समिति मैंने बताई है, इनमें भर्तियां निकल रही हैं। अब आपकी ग्राम पंचायत आपको देखनी है तो नोटिफिकेशन में दी गई है, सभी अपनी अपनी ग्राम पंचायत चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, सभी अपने अपने ग्राम पंचायत के अनुसार फॉर्म भर सकती है। जैसे मान लो किसी की सम तहसील है, तो अब सम तहसील में ग्राम पंचायत भी बहुत है, तो जो ग्राम पंचायत आपकी है और उसी ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है तो आप आराम से फॉर्म भर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है दोस्तों, सारी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल गई है, आप आराम से चेक कर लो। कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब दे देंगे। अगर किसी को जरूरत है कि सर हमें तो अभी जवाब चाहिए, तुरंत अर्जेंट है, तो आप सीधे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, वहां पर आपका तत्काल प्रभाव से जवाब दे दिया जाएगा, चैटिंग में ही आपका जवाब दे दिया जाएगा। ये है इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एक दमाशा
आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।